हेलो एवरीवन, दिस इज रूबी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल रूबी शेरा विद व्लॉग्स। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ इन द लोक थर्सडे मार्केट। जिसने मेरे कल के परसों के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ अपडेटेड हैं। और बाकी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आज आप लोगों का वेट खत्म हुआ, मैं लेकर आई हूँ आपको गली नंबर 6 की पूरी एकदम लेटेस्ट तड़कती भड़कती वीडियो। ठीक है, जिसने मेरे कल के और परसों के वो नहीं देखे, अच्छे से देख लेना। मैंने लोकेशन के साथ समझाया हुआ है, सबा नर्सिंग होम और डिस्पेंसरी के जो साइड वाली लेन है वो पूरी मैंने अच्छे से आप लोगों को दिखाई है। जो नए हैं चैनल पर उन्हें बता दूं, इंद्रलोक थर्सडे मार्केट जो है सिर्फ थर्सडे वाले दिन लगती है भाई, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो इंद्रलोक का ही होगा। आपको गेट नंबर 5 से एग्जिट करना होगा और उसके नीचे से ही ये मार्केट शुरू हो जाती है। मेट्रो स्टेशन के नीचे वाला जो पटरी मार्केट है, उसके नीचे पटरी मार्केट ही लगता है, उसके नीचे कोई शॉप नहीं है। वो 8-9 बजे के आसपास लगता है, और अंदर की जो शॉप्स हैं मार्केट की, शॉप और पटरी मार्केट, वो 7 बजे ओपन हो जाती हैं। कुछ शॉप्स तो 7 से पहले भी ओपन हो जाती हैं, बट 7 बजे तक हो जाती हैं। अभी फॉर अ चेंज मानसून आ चुका है, 10 तक तो दे ही दी है दिल्ली में, तो आप आ सकते हो टाइम पे। पहले मैं मना करती थी कि भाई जब तक ज़रूरी ना हो मत आओ मार्केट में, पर अभी मौसम फिर भी बेटर हो गया है पहले से, तो जिसे शॉपिंग करनी है वो आ सकते हैं। और शाम के 4-5 बजे तक ये मार्केट ओपन रहता है। ये गली नंबर 6 है और ये है गुड्डू भाई की शॉप। ठीक है, ये जब मैंने कवर करा था उस वक्त बारिश आने वाली थी, मतलब हल्की हल्की यहाँ ना बूंदाबांदी हो रही थी, जो वीडियो में नहीं दिख रही होगी। और इसके बाद यहाँ जो हुई झमाझम बारिश, बस पूछो मत। गुड्डू भाई की शॉप में आ गई हूँ और खुशखबरी ये है कि गुड्डू भाई ठीक हो गए। उन्हें लास्ट वीक आई फ्लू था और अब वो काफ़ी बेटर है। इस बार उन्होंने वो ब्लैक ब्लैक कलर के चश्मे नहीं पहने हुए थे, तो अच्छे मतलब ठीक हो गए हैं वो। ठीक है, ये जो ऊपर के जितने सूट हैं ये हमेशा की तरह भैया का एक फिक्स रेट रहता है, 950 से लेके 1150 के बीच में ये सूट आपको मिल जाएंगे। मिनिमम 950 होगा और मैक्सिमम 1150, जितने भी ऊपर लगे हुए सूट है। इनमें आपको कोई कोई सूट एक एक सिंगल पीस होगा और बाकी में आपको 2-3 कलर मिल जाएंगे बाकी सूट्स में। ठीक है, तब भैया ने ओपन ही की थी जब मैं शॉप में गई थी, और भैया के कस्टमर्स भी साथ के साथ आ गए थे ज़्यादातर। ये देखिए ऊपर जितने भी हैं ना, और गंजा वाले हैं और मसलिन का फैब्रिक वाले जो सूट है ना वो हैं। एक ये वाला देखिए, ये 550 वाला है। ठीक है, कॉटन का सूट है। भैया की जो सूट की स्टार्टिंग होती है वो 550 रुपये से हो जाती है, और सुबह 7 बजे भैया की शॉप ओपन होती है। भैया उनमें से हैं जो मार्केट में जो ज़्यादातर जल्दी शॉप ओपन करने वाले लोग हैं ना, उनमें से भैया एक है। इनकी अथर भाई की भी शॉप जल्दी ओपन हो जाती है। एक दानिश लेदर वाले भैया हैं, उनकी भी जल्दी ओपन हो जाती है। सलमान भाई की जल्दी हो जाती है जो साड़ी वाले हैं, जहाँ पे मेरा कैमरा हमेशा जिगजैग करता रहता है। और आमिर भाई की भी शॉप जल्दी ही ओपन होती है। ठीक है, कभी कभी होता है आमिर भाई थोड़ा लेट करते हैं, नहीं तो ये जो शॉप्स हैं वो जल्दी ओपन होती है। पटरी मार्केट फिर अपने अपने हिसाब से, कभी कभी कोई जल्दी करता है कोई लेट, लेट भी इतना नहीं होता, 7:30 तक सब ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो सुबह ही आकर अगर शॉपिंग कर लोगे तो अच्छा है। ठीक है, एक ये वाला सूट देखिए, 850 की रेंज में था, पाकिस्तान क्रेप में था इसका फैब्रिक, पाकिस्तानी उसमें लुक में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये ऑर्गेंजा में है, ऑर्गेंजा का ही इसका दुपट्टा था। ये वाले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये 550 वाले हैं सूट, ये जितने भी अभी आप देख रहे हैं ये पूरी लाइन ही 550 वाले सूट्स की है। और इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे आपको कॉटन के मिलेंगे, उसके अलावा भी फैब्रिक रहता है भैया के पास। ये वाला देखिए 850 वाला है, इसका ऑर्गेंजा का दुपट्टा था, ऑर्गेंजा में ही ये सूट है। किसी किसी सूट में आपको अंदर लाइनिंग मिलती है, ज़्यादातर में नहीं मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं, आई हूँ नरेश भाई के पास। इनके पास इस बार 2 रेट के शूज़ थे, मतलब फुटवेयर थे, एक 250, ये 250 वाले दिखा रही हूँ मैं, और एक 300 वाले। अभी 250 वाले देखिए, यही लास्ट वीक तक, ये जो अभी लोफर आपने देखा ये लास्ट वीक तक 350 में मिल रहे थे। अब साइजेस इसके एक एक दो दो हैं, इसलिए ये 250 के हो गए हैं ये जितने अभी आप देख रहे हैं। और इसी में अब आपको ये 300 वाले रेंज दिखेगी, ये 250 वाला ही है, ये एवरेस्ट की चोटी जैसी हील थी इसकी, बिल्कुल वेज हील। ये वाला जो है ये 300 रुपये वाला है। देखिए कितनी क्वालिटी कितनी अच्छी होती है इनकी, सोल से आपको आइडिया हो रहा होगा, पूरा मतलब बेहतरीन है, पूरा डॉक्टर सोल वाली भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। 250-300 में कहाँ मिलती हैं अदरवाइज, क्वालिटी
मतलब आंख बंद करके आप इनकी ले सकते हैं, जो भी फुटवेयर आप ले रहे हैं कुछ भी पिक कर सकते हो, और वो चलता ही चलता है इनका। भैया सुबह सुबह ओपन कर लेते हैं, ये हैं राहुल भैया, ठीक है। ये भी, ये बच्चों के लेकर आते हैं, ये देखिए गीली है ना, भैया के सैंडल्स भीग गए थे, तभी तभी बारिश हो गई थी इसके बाद यहाँ पे, तो भैया ने फिर बाद में शेड वेड लगाया था। ये सब 200 रुपये वाले दिखा रही हूँ मैं आपको। इससे मुझे एक लेना था ये वाइट कलर में, पर मुझे बड़ा साइज़ मिला ही नहीं, वो मतलब आप सोच सकते हो मेरे आने से पहले ही निकल गया था। ये शूज़ भैया लेकर आए हुए थे इस बार, और ये 300 की रेंज में थे, गर्ल्स और बॉयज़ ये दोनों के आपको मिल जाएंगे, देख सकते हो 350 की रेंज में। देखो बारिश स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे, मैं यहीं पे खड़ी थी और ये राहुल भैया के पास ही खड़ी होके मैं ही वीडियो बना रही हूँ। पूरा गली कैसे खाली हो गई थी, राहुल भैया के बिल्कुल साथ में ये भैया लगाते हैं फ्रॉक वाले भैया। किसी को अगर पार्टी वेयर फ्रॉक चाहिए तो यहाँ से ले सकता है, 350 की रेंज में थे ये, और साइज़ इस बार थोड़ा बड़ा रखा हुआ था भैया ने, नहीं तो 3 साल तक के बच्चे के रहते हैं भैया के पास 350, और इस बार थोड़ा बड़ा साइज़ था, मतलब 7 साल का 8 साल का बच्चा भी आराम से पहन लेगा इन फ्रॉक्स को, और 350 में इनकी स्टार्टिंग रेट है ये 350। आपको ऐसे फ्रॉक बड़े साइजेस में भी मिल जाएंगे, लाइक 11-12 साल तक के बच्चे के भी मिल जाएंगे, और वो आपको 750 तक की रेंज में मिलेंगे। जैसे ये ब्लैक वाला है, इसका आपको बड़ा साइज़ भी मिल जाएगा, मैं दिखाती हूँ ऊपर भैया ने हैंग किया हुआ है। बाकी ये सब एथनिक है, ये भी इसी रेट पे मिलेगा। ये वाला है ब्लैक, देखो इसका ब्लैक का छोटा भी है बड़ा भी है, काफ़ी बड़ा था ये, आई थिंक 12 साल से बड़ा भी बच्चा पहन सकता है, क्योंकि फ्रॉक लुक में है तो नीज तक आएंगे। चलिए आगे बढ़े हम, रईस भाई आए थे, थोड़ा सा लेट लगाते हैं रईस भाई अपनी जूतियों के साथ, 300 रुपये की ये जूतियाँ हैं, और बारिश की वजह से भैया इस बार वो अपने जो लिबास की कह रहे थे लेकर आने वाली थी कुर्ते, वो नहीं लेकर आ पाए थे। बाकी ये भैया की आप जूतीस देख सकते हो, मैंने एक एक दिखा दी हैं, क्वालिटी भैया की जूतीस की बहुत अच्छी होती है, इस तरह की जूती आपको और नहीं मिलेगी। पहले गुप्ता भाई लाते थे ऐसी जूती, अभी वो नहीं ला रहे हैं कुछ टाइम से, तो आपको अगर स्पेशली चाहिए इस टाइप की सोल वाला, इनका सोल आप देख सकते हो, तो इनके पास आके ले लो। ये बिल्कुल जो राहुल भैया ना उनके साइड में ऐसे भैया रखते हैं, ऐसे रेंडम आइटम्स रखते हैं ये, ठीक है। इस तरह के इनके पास कुछ ही मिल जाता है, कभी टिफ़िन मिल जाता है, कभी इस टाइप के यूटेंसिल्स मिल जाएंगे, कुछ भी, ठीक है। ये नॉन स्टिक है ये वाला, जो सॉस पैन देख रहे हो आप ब्लैक कलर का, ये नॉन स्टिक है। ऐसे स्टील के आपको मिल जाएंगे ग्लास, जिसके आउटर लाइन दूसरे कलर की होती है, ऐसे टिफिन मिल जाएंगे, नेक्स्ट टाइम कुछ और मिलेगा इनके पास, चेंज होता रहता है। आगे बढ़ते हैं हम, आ गए शोहेब भाई के पास अब ये, ठीक है। फैब्रिक से ही आपको पता चल गया होगा, और भैया इस बार जो लेकर आए हुए थे ये थी भैया की 250 वाली, ये जितने अभी आप देख रहे हैं सब 250 की रेंज में है। MRP मैं साथ के साथ दिखा रही हूँ, और उस हिसाब से आप ये 250 के हिसाब से कितना सुपर्ब है ये, बट स्पेशली ये देखिए आप इसका एक ये वाला पीस देखिए, वन पीस है ये बेबी गर्ल का, और इसका MRP देखो 1400 समथिंग था ना, ठीक है पॉज करके देख लेना, 250 रुपये में। ये मेरे साथ एक मैम आई हुई थी, उनको ये फ्रॉक शायद पता नहीं उन्होंने लिया कि नहीं, ये देखो एक और बेबी गर्ल्स के तो मतलब मज़े हैं यार, ये देखो इसके साथ आपको ऐसी माला मिलेगी गले में पहनने की। कुछ तो गर्ल्स, छोटी छोटी गर्ल्स होती इतनी क्यूट क्यूट सी हैं, और ऊपर से उनके इतने स्टाइलिश और क्यूट से कपड़े होते हैं ना। ये देखिए 1675 रुपये का है जो आपको शोहेब भाई के पास 250 में मिल जाएगा, और ये सारे ब्रांडेड है, और ये डिज़ाइन आप खुद सोच लो आपके नियरेस्ट पटरी मार्केट में कहाँ मिलता है बेबी गर्ल्स का ऐसा स्टाइलिश डिज़ाइन। मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ इतने स्टाइलिश कपड़े नहीं मिलते हैं। ये साइज़ 32 नंबर था, 11 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगा, और ये पीस देखो यार कितना स्टाइलिश था। मुझे भैया से एक बार रिकन्फर्म करना पड़ा कि भैया आप इसी रेट में दे रहे हो ना पक्का, इतने सुंदर सुंदर कपड़े थे ना इस बार, तो मतलब दिल खुश कर दिया था भैया ने स्पेशली बेबी गर्ल्स के। ये देखो डिज़ाइन देखो, पूरा मॉल वाली क्वालिटी रखी हुई थी भैया ने इस बार, जो एकदम स्टाइलिश आपको मॉल में मिलते हैं, वो भी ब्रांड्स पे जाके, वो आपको यहाँ मिलेंगे, हैं भी ये ब्रांडेड। इनके सबके टैग्स देखकर फिर लीजिएगा। आगे आ गई हूँ, 350 की ये सारी साड़ियाँ हैं। साड़ी की आपको गली नंबर 6 के एकदम स्टार्टिंग में और एकदम एंड में, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो आपको साड़ी की पहले शॉप मिलेगी। आप हारून भैया की तरफ से कर लो तब भी साड़ी की पहले मिलेगी, आप ब्लू कलर के ट्रांसफॉर्मर की तरफ से एंट्री करोगे तब भी आपको साड़ी की पहले ही शॉप मिलेगी, ठीक है।
आगे आ गई हूँ मैं कुर्ती वाले भैया के पास। इनके पास ये आप जैसे देख रहे हो गाउन, ये 300 रुपये का था। एक ये डब्लू की कुर्ती देखिए, सब कुछ आपको यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ सब कुछ 300 रुपये का मिलेगा। ये जितना भी आप आइटम्स देख रहे हैं, एक इस तरह का जंप सूट था और ये भी 300 का ही मुझे अच्छा लग रहा था, पर है ना साइज बहुत छोटा था, एक्स्ट्रा स्मॉल में था, हम एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं हैं और तो मैंने छोड़ दिया। एक और मुझे येलो कलर का कुर्ता यहाँ पे इतना पसंद आया था ना, और पता नहीं मैंने क्यों छोड़ा। मैं आपको दिखाऊंगी, शायद मैंने वीडियो में कवर कराया, आगे देखते रहना, वीडियो में बने रहो। और भाई सब्सक्राइबर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स प्लीज़ हेलो सुनो, ज़रा वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो कर दो, ठीक है, कुछ कमेंट ही कर दो, कुछ तो कर दिया करो, बस बैठ के देख लेते हो हैं शांति के साथ। और जो न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है और मेरी आवाज़ सहन करने लायक है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो उसे सब्सक्राइब भी कर दो, कष्ट करो ज़रा सा, बहुत कम कष्ट होगा, ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होगी आपकी, टेंशन ना लो। ये देखो एक और गाउन है, ये भी 300 रुपये का है। कुछ भी जितना भी आपको दिखा रही हूँ ना, ये सब सेम रेट में, बार बार रेट नहीं बोलूँगी, आप सिर्फ फैब्रिक देखिए इनका। और यहाँ पे आपको डब्लू के, सभ्यता के, लिबास के, बीबा के, इस टाइप की ब्रांड्स के आपको कुर्ती भर भर के मिलेगी इस शॉप पे, बस थोड़ा ढूंढने की ज़रूरत है। भैया ने सब हैंगर में, देखो कितना सुंदर पीस था, सब हैंगर में लगा के रखते हैं, बस आपको थोड़ा मेहनत करके यहाँ आना है। अच्छी खासी बड़ी शॉप है इनकी, तो ऐसा नहीं है रश होता है, धक्का मुक्की होती है, आप तसल्ली से शॉपिंग कर सकते हो। ये बहुत बड़ा साइज़ था, मतलब काफ़ी प्लस साइज़ में था आई थिंक, ये वाला पीस जो येलो वाला दिखा रही हूँ जो पोलका डॉट में है, अच्छा पीस था, और मतलब वन पीस पार्टी वेयर टाइप। एक ये था, ये भी बड़ा साइज था, लेकिन इसमें साइड में ऐसे बेल्ट थी, अगर किसी को टाइट करने के लिए पहनना है तो एक्सल या लार्ज वाले आराम से पहन सकते हैं। इस टाइप के बहुत मतलब भैया के पास थे फ्रॉक वाले, फैब्रिक इनका अच्छा होता है, और मतलब ऐसा नहीं है कि कॉटन में ही मिलेगा आपको, बाकी भी मिल जाएगा। एक ये देखिए फैब इंडिया का था, किसका था, एक ये लिबास की कुर्ती है, बस आपको यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा सर्च करने की ज़रूरत है, ब्रांडेड आपको मिल जाएंगी, नॉन ब्रांडेड भी हैं, कई बार ऐसा होता है कि नॉन ब्रांडेड में ही औसम चीज़ें निकलती हैं। कि ये पार्टी वेयर ड्रेस है, ये साइज़ स्मॉल था इसका, बस यहाँ का जो थोड़ा ड्रॉबैक या डीमेरिट आप बोल सकते हो यही है कि एक कुर्ती का बस वो एक सिंगल ही साइज़ होता है, कई बार बस पसंद आती है चीज़ और आपका साइज़ नहीं होता, तब आपको छोड़ना पड़ता है, बस यही है। बट वो 300 रुपये इसी वजह से है, नहीं तो शायद इससे ज़्यादा होता इन सब का रेट। यही भैया हैं जो आगे भी लगाते हैं शॉप, इनकी बाहर रहेगी, वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगी। वो इस बार 100 रुपये की कुर्ती लगा रखी थी भैया ने, उसमें भी ब्रांडेड थे, भैया 150 रुपये की लगाते थे, इस बार 100 रुपीज़ थी, शायद बारिश की वजह से भैया ने डिस्काउंट किया हुआ था, पर 100 रुपये में यार क्या मिलता है। ये पॉकेट वाली कुर्ती है, यहाँ पे इसमें साइड में पॉकेट था, वन साइड पॉकेट था। और ये एक ये ओरेला की है, ये भी स्लीवलेस है, जो स्लीवलेस है वो स्लीवलेस ही है, ये वाला है, ये वाली कुर्ती है जो मैं कह रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी येलो कलर की, पर मुझे लगा ये वाला डिज़ाइन शायद थोड़ा पुराना हो गया इसलिए, पर इसका फैब्रिक जो था ना, जो खादी कॉटन होता है वो वाला फैब्रिक था इसका, बड़ा मतलब अच्छा था, तगड़ा मोटा सा फैब्रिक था, खादी कॉटन वाले लुक में थी, बस वो मुझे ऐसा लगा कि डिज़ाइन थोड़ा वैसा हो गया पुराना। किसी ने खरीद लिए तो बता देना, और किसी ने नहीं खरीदी है तो मत खरीदना, मैं नेक्स्ट टाइम खरीद लूँगी, मुझे बताना अगर ये अच्छी लग रही होगी तो, आई होप नेक्स्ट टाइम तक भैया के पास बचे ये कुर्ती। ऐसे श्रग मिल जाए, इनके पास ऐसे सब आइटम मिलेंगे आपको, श्रग भी मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाता है भैया के पास। इनकी शॉप के बिल्कुल बाहर ये नॉन ब्रांडेड टी शर्ट्स आपको मिल जाएंगी, इसमें एक आधी ब्रांडेड मिलती हैं, बट मैं नॉन ब्रांडेड ही कहूँगी क्योंकि ज़्यादातर नॉन ब्रांड्स ही होते हैं, ठीक है, सब 160 रुपये की होती हैं। और ये और भैया के पास मैंने तो देखो डबल एक्सल तक ही देखे, भैया कह रहे थे ज़्यादा भी मिल जाएंगे, पर मैंने मैक्सिमम साइज़ डबल एक्सल ही देखा था यहाँ पे। ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा बिल्कुल, जो 300 रुपये वाली कुर्ती है ना, इसके साइड में ही भैया लगाते हैं। ये गली इतनी बड़ी है नहीं जितनी मतलब दिख रही है, तो सब ऐसे ही हैं यहाँ पे आइटम्स। जो गुड्डू भाई हैं उनके बिल्कुल साइड में, एक लेफ्ट साइड में उनके शोहेब भाई लगाते हैं जिनके मैं दिखा चुकी हूँ, और राइट साइड में ये वाले भैया लगाते हैं, ये 160 रुपये में देते हैं। अगर आपको भाई शोहेब भाई के ज़्यादा लग रहे हैं तो इनसे ले लो, बट क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है, वो ब्रांडेड होते हैं सारे, ठीक है,
और ये नॉन ब्रांडेड होते हैं, लेकिन ये डेली वेयर में अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि खराब है, पुराने ऐसा कुछ नहीं है, सब फ्रेश हैं ये भी, बट नॉन ब्रांडेड है। 160 रुपये में है, आप यहाँ से ले सकते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 9-10 साल तक के बच्चे के बहुत ईजीली आप यहाँ से ख़रीद के जा सकते हैं। ये देखो गर्ल्स के कितने प्यारे प्यारे से हैं, यहाँ पे भी गर्ल्स आगे चल रही हैं, देखो बॉयज़ से क्यूटनेस में हर देखो हर ड्रेस गर्ल्स की ज़्यादा अच्छी होती है। चलो इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, टाटा।